हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की दो रंग की लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने येलो और ग्रीन कलर से बनाई है। इस ड्रेस में मैंने सेंटर में इस तरह की डिज़ाइन बनाई है और लास्ट में इसमें फ्रिल्स बनाई। चलो हम इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये चोली बना ली है। इस चोली का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे बनाना देख सकते हैं। फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ। इस चोली में हम 18 फंदे डालते हैं। आगे और पीछे की तरफ दो दो फंदे हम येलो कलर की ऊन से बनाते हैं। आगे एक तरफ एक फंदा बनाते हैं, बाजू में दो फंदे ग्रीन कलर के, पीछे चार फंदे, बाजू में दो फंदे और आगे एक तरफ एक फंदे। इस तरह हम फंदों को बांट लेते हैं। इसमें हम चार जालियां बनाते हैं और बाजू के अंदर हम इसमें 11-11 फंदे घटाते हैं। बाजू घटाने के बाद हम इसमें चार सिलाइयाँ और निकाल लेते हैं, उल्टी और सीधी। इस तरह हमारी ये चोली बन जाती है। इस चोली में हमारे 28 फंदे होते हैं। अब इन सभी फंदों को हम एक का दो करके डबल कर लेंगे, जिस तरह हम करते हैं। एक बार आगे से बनाते हैं, एक बार पीछे से बनाते हैं। इस तरह हम सभी फंदों को एक का दो करते रहते हैं। एक बार आगे से बनाते हैं, फिर एक बार पीछे से बनाते हैं। इस तरह हम सभी फंदों को एक के दो कर लेते हैं। एक बार आगे से बनाते हैं और एक बार पीछे से बनाते हैं। एक बार आगे से बनाया, फिर इसी फंदे को हम पीछे से बनाते हैं और इस फंदों को सिलाई से उतार देते हैं। इस तरह हम सभी फंदों को एक का दो करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सभी फंदों को हमने एक का दो कर लिया। अब हमारी सिलाई में 56 फंदे हो जाते हैं। अब हमारी डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन हमारी उल्टी सिलाई से शुरू होती है। अब हम येलो कलर की ऊन से डिजाइन बनाना शुरू करते हैं तो पहली सिलाई हमारी उल्टी निकलती है, तो हम सभी फंदों को उल्टा निकाल लेते हैं। इस तरह हम सभी फंदों को उल्टा निकाल लेते हैं और इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली। उल्टी सिलाई में हमने सभी फंदों को बना लिया। हम वापस से अपनी सीधी सिलाई में आ गए। हमारी सीधी सिलाई भी उल्टी ही निकलती है। पहला फंदा हमने उल्टा बनाया, दूसरा फंदा हम बिना बना उतारते हैं, उसे बनाना नहीं रहता है। अगले फंदे को हम बनाते हैं तो हमारी ये ऊन पीछे छूट जाती है, जैसे हमारी डिजाइन बनती है। इसके अगला फंदा हम उतार लेते हैं, फिर इसके अगला फंदा हम बना लेते हैं, फिर अगले फंदे को उतार लेते हैं, उससे अगले को बना लेते हैं। जैसे हम बनाते हैं तो आगे ऊन हमारी छूटती जाती है। इस तरह हमें इस रो में एक फंदे को बनाना है और एक फंदे को उतारना है बिना बने। इस तरह हम पूरी सिलाई निकालेंगे। एक को बनाना है और एक को बिना बना, यह सिलाई पूरी उल्टी ही निकलती। इस तरह हमने ये सिलाई पूरी कर ली है। हम अपनी उल्टी सिलाई में आ जाते हैं। उल्टी सिलाई में हमारी ये सिलाई सीधी निकलेगी, पूरी सिलाई सीधी निकलती है। इसमें हम पहला फंदा सीधा बनाते हैं और दूसरा फंदा हम जो हमने उल्टी सीधी सिलाई में बनाया था उसे तो हम उतार लेते हैं और जिस फंदे को हमने उतारा था उस फंदे को हम बना लेते हैं। हमें फंदे सीधे ही बनाने रहते हैं। जिस फंदे को हमने बनाया था उसे उतारना है बिना बने और जिसको नहीं बनाते उसे बनाना रहता है। तो इस तरह हम इस रो को भी पूरा करते हैं। जैसे जब हम इस सिलाई को सीधे निकालते हैं तो पीछे की तरफ इसमें ऊन छूटती जाती है। इस तरह हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इस सिलाई के लास्ट में आ गए। लास्ट में हमें ये फंदा हमने बना लिया है, इसको हम उतारेंगे, इसके अगले फंदे को हम बना लेते हैं। फिर हम इस फंदे को उतार लेते हैं और फिर हमारे लास्ट के दो फंदे बनते हैं। हर सिलाई में हमारे लास्ट के दो फंदे बनाने रहते हैं। इस तरह हमारी ये रो कंप्लीट हो जाती है। हम वापस से सीधी सिलाई में आ गए। अब सीधी सिलाई हमारी पूरी सीधी निकलेगी, तो हम इसमें सभी फंदों को सीधा बना लेते हैं। अब पूरी सिलाई सीधी होने के बाद हमारी डिज़ाइन की एक रो कंप्लीट हो जाती है।
इस तरह हम पूरी सिलाई को निकाल लेते हैं, हमारी डिजाइन बन जाती है। इस तरह हमने ये सीधी सिलाई निकाल ली है, वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई में हम दूसरे कलर की ऊन से डिजाइन बनाएंगे, तो पहली रो हमारी उल्टी निकलेगी। पहली रो में हम 8 फंदे बनाएंगे, तो शुरू में हम 5 फंदे बनाते हैं, 2, 3, 4 और ये 5, और छठे फंदे को हम 1 का 2 कर लेते हैं। इस तरह हम हर छठे फंदे को 1 का 2 करेंगे और हमारी सिलाई में हम अब 8 फंदे बढ़ा लेते हैं। इस सिलाई के अंत में हमारे पास कुल 64 फंदे हो जाते हैं। इस तरह हम अब इस अपनी उल्टी सिलाई को हमने पूरा कर लिया। अब हम वापस से अपनी सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई हमारी उल्टी निकलती है और हमारी येलो कलर की डिजाइन कुछ इस तरह से दिखती है। तो पहला फंदा हम उल्टा बनाते हैं, दूसरा फंदा हम बिना बना उतारते हैं, उसके अगला फंदा हम उल्टा ही बनाते हैं। जब उल्टा बनाते हैं तो हमारे पीछे ऊन छूट जाती है, जिससे हमारी ये डिजाइन बनती है। इस तरह हमको एक फंदा बनाना रहता है, एक उतारना। ये हमने बना लिया, अब इससे अगला हम उतार लेंगे। ये बिना बना उतार लिया, ये हमने बना लिया। इस तरह हम इस रो को कंप्लीट करते हैं। अब हम इस सिलाई के लास्ट में आ गए। इस फंदे को उतार लेंगे, इसके अगले फंदे को हम बना लेते हैं, इसके अगले फंदे को उतार लेते हैं, लास्ट के 2 फंदे को हम बना लेते हैं। इस तरह हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई हमारी सीधी निकलती है, तो पहला फंदा हम सीधा बनाते हैं और दूसरा फंदा हम बिना बना उतारेंगे। हमको इसमें ये ध्यान रखना रहता है कि जो हम सीधी सिलाई में जिस फंदे को हम बनाते हैं उसे तो उतारना रहता है, जिस फंदे को हम नहीं बनाते उसे उल्टी सिलाई में बनाना रहता है। तो इस फंदे को हम उतार लेंगे, इसके अगले फंदे को हम सीधा बना लेंगे। सीधा बनाने से पीछे हमारी ऊन छूटती जाती है, हमारी डिजाइन बनती जाती है। इस तरह हम इस फंदे को उतार लेते हैं और इसके अगले को हम बना लेते हैं। इस सीधी सिलाई में हमें इस डिजाइन में हमें ये ध्यान रखना रहता है कि जिस फंदे को हमने सीधी सिलाई में बनाया है उसे उतारना रहता है, और जिस फंदे को हम नहीं बनाते उसे बनाना रहता है। इस तरह हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने हमारी ये उल्टी रो भी कंप्लीट कर ली है। वापस हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। अब हमारी पूरी सीधी सिलाई सीधी निकलती, इसलिए हम सभी फंदों को सीधा निकाल लेंगे और इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने ग्रीन कलर की सीधी सिलाई निकाल ली है, तो हमारी ग्रीन कलर की डिजाइन भी अब पूरी हो गई। वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई हम वापस से येलो कलर की ऊन से बनाएंगे, जो हमारी पूरी उल्टी निकलती है। अब इस सिलाई में भी हमको 8 फंदे बढ़ाने हैं। जिस तरह हमने येलो कलर की डिजाइन के बाद 8 फंदे बढ़ाए थे, अब ग्रीन कलर की डिजाइन के बाद भी हम 8 फंदे बढ़ाते हैं। तो शुरू में हम इसमें 6 फंदे बनाएंगे, 4, 5 और 6। सातवें फंदे को हम 1 का 2 कर लेते हैं। इस तरह सिलाई में हम 8 फंदे बढ़ा लेंगे, तो कुल हमारा इसमें अब 72 फंदे हो जाते हैं। छः वापस से हम 1 का 2 कर लेते हैं। आठ फंदे बढ़ाने के बाद हम इसमें अपने डिजाइन की 3 रो पिछली डिजाइन की तरह कंप्लीट कर लेंगे। एक उल्टी, एक सीधी और एक सीधी, तो दो तो डिजाइन की बनेंगे और एक पूरी सीधी निकलती। अब हमने येलो कलर की रो की 3 लाइन कंप्लीट कर ली है, तो हमारी तीसरी डिजाइन की रो भी बन गई। हम वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। हम वापस से ग्रीन कलर निकालें, ग्रीन कलर से ये सिलाई हमारी पहली सिलाई पूरी उल्टी निकलती। इस सिलाई में भी हमें 8 फंदे बढ़ाने रहते हैं, तो शुरू में हम इसमें 4, 5, 6, 7 सात फंदे बनाते हैं के बाद 8वें फंदे को 1 का 2 करते हैं। इस तरह सिलाई में भी हमारे अब 8 फंदे बढ़ जाएंगे। फिर हमारे लास्ट में इसमें 80 फंदे हो जाते हैं। एक का दो कर लेते हैं। वापस से हम इस सिलाई में हमारे ये लाइन पूरी करने के बाद हमारी डिजाइन की ये 3 रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। वापस से हम अपने येलो कलर की ऊन पे आ जाते हैं। अब हमने ये ग्रीन कलर की डिजाइन की रो कंप्लीट कर ली है। वापस से हम येलो कलर की ऊन में आ गए। पहली सिलाई उल्टी निकालते हैं, पहला फंदा हम उल्टा बनाते हैं,
पूरी सिलाई हमारी उल्टी निकलती है। इस सिलाई में भी हमें 8 फंदे बढ़ाने रहते हैं, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 फंदे बढ़ाने के बाद हम 9वें फंदे को 1 का 2 कर लेते हैं। इस तरह हर 8 फंदे बनाने के बाद 9वें फंदे को हम 1 का 2 करते हैं, ये पूरी सिलाई हम उल्टी निकालते हैं। इस सिलाई को पूरा निकालने के बाद हमारे हम इसमें 88 फंदे हो जाते हैं, 88 फंदे हो जाते हैं। ये सिलाई में हम अपने डिज़ाइन की 3 रो कंप्लीट करके वापस से हम अपने ग्रीन कलर के रो पे आ जाते हैं। इस तरह हमने येलो कलर की डिज़ाइन की रो भी कंप्लीट कर ली। वापस से हमारी उल्टी सिलाई में आ गए, यहाँ पे हम येलो कलर की उनको काट देते हैं। अब आगे की हमारी सभी सिलाइयाँ ग्रीन कलर की उन से बनती हैं। इसमें हमारी डिज़ाइन की 5 रो बन गई, 1 येल्लो, ग्रीन, येल्लो, ग्रीन और येल्लो। इस तरह हमारी 5 रो पूरी हो जाती है। आगे हम ग्रीन कलर से 9 रो निकालते हैं, तो सभी सिलाइयाँ, पहली सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। हर उल्टी सिलाई के अंदर हमें 5 फंदे बढ़ाने रहते हैं। ये हमारी पहली उल्टी सिलाई है, इसके बाद एक सीधी निकालेंगे, फिर उसके बाद एक उल्टी निकालेंगे। इस तरह हम इसमें हर उल्टी सिलाई में 5-5 फंदे बढ़ा लेंगे। हमारी उल्टी सीधी सिलाई करके हमारी ये 9 लाइनें हम पूरी कर लेते हैं। जब हमारी 9 लाइनें पूरी हो जाएंगी तो हमारी सिलाई में 113 फंदे हो जाते हैं। इसमें हमने 9 सिलाइयाँ निकालनी है उल्टी सीधी करके। अब इसमें हमारे कुल 113 फंदे हो गए। अब आगे हम इसमें उल्टी सिलाई बनाएंगे। इसमें हमें 4 सिलाइयाँ उल्टी निकालनी रहती, जिससे हमारी ये 2 उल्टी सिलाइयों की लाइन बन जाती। अब इसमें हम 4 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। इसमें हमने 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली है। 4 सिलाई उल्टी निकालने के बाद हमारी कुछ इस तरह से इसमें 2 लाइनें बन जाती। अब आगे हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। हमने पहला फंदा सीधा बनाया, फिर ऊन को हम आगे लेते हैं और जाली बनाते हुए अगले फंदे को बना लेते हैं। फिर हम ऊन को आगे लेते हैं, फिर जाली बनाते हुए अगले फंदे को बना लेते हैं। इस तरह हमें सभी फंदों के ऊपर जाली बनानी रहती है। सभी फंदों पर जाली बनाने के बाद जब हम सिलाई को पूरा करते हैं तो इसमें हमारे 226 फंदे हो जाते हैं। सभी फंदों के ऊपर जाली बनाते हुए हम इस लाइन को पूरा कर लेते हैं। इस तरह हमने अपनी सिलाई को पूरा कर लिया है। इसमें हमने सभी फंदों को जाली बनाते हुए डबल कर लेते हैं। वापस हम अपनी उल्टी सिलाई में आ गए। अब उल्टी सिलाई भी हमारी सीधी बनती है। इसमें भी हम सभी फंदों को डबल कर लेते हैं। पहला फंदा हमने बनाया, उनको आगे करते हैं और जाली वाले फंदे पर भी हमको जाली बनानी रहती, फिर उनको आगे करते हैं, फिर फंदे को बनाते हैं। इस तरह हम सभी फंदों के ऊपर जाली बनाते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी हम हमारे सभी फंदे डबल हो जाते हैं। इसमें कुल हमारे 452 फंदे हो जाते हैं। इसमें हमने अपनी उल्टी सिलाई निकाल ली और सभी फंदों पर जाली बनाते हुए हम सभी फंदों को डबल कर लेते हैं। इसमें हम हमारे 452 फंदे हो जाते हैं। वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। सभी फंदों को हम कटा देंगे। पहला फंदा हमने उल्टा बनाया, इस फंदे को वापस से अपनी सिलाई पे ले लेते हैं और 2 का 1 कर देते हैं। फिर इस फंदे को वापस सिलाई पे लेते हैं और फिर 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह हम 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को घटा देंगे। फंदे को वापस से अपनी सिलाई पे लेके 2 का 1 करते हैं। पूरे फंदों को हम घटा देते। हमने सभी फंदों को घटा दिया है। हम यहाँ पे अपनी ग्रीन कलर की ऊन को काट देते हैं। अब हमारी फ्रिल्स बन जाती है। बनने के बाद कुछ इस तरह से हमारी फ्रिल्स दिखती है।
हम यहाँ बीच में जो हमने 8 सिलाइयाँ निकाली थी उसमें हम दूसरे कलर की फिल्स बनाएंगे। तो शुरू में जब 8 सिलाइयाँ निकाली थी उसमें शुरू की 4 सिलाइयाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4, चौथी सिलाई होती है। तो हम चौथी सिलाई में जो हमारी वी शेप की डिजाइन बनती है एक फंदा बनाने पे, उसका अगला फंदा उठाते हैं, 1 2 3 4, वी शेप की जो डिजाइन है उसका अगला फंदा हम उठा लेते हैं अपनी सिलाई में, इस तरह एक, फिर अगला फंदा लेंगे हम इस तरह, सभी वी शेप डिजाइन का अगला फंदा हम उठा लेते हैं ऊपर से 4 सिलाई, इस तरह हम सभी फंदों को उठाते हैं। दोबारा से बताती हूँ, ऊपर से चौथी सिलाई में जो वी शेप की डिजाइन बनती है उसमें हम आगे के हिस्से को उठा लेते हैं, 1 2 3, इस तरह हम इसमें 105 फंदों को उठा लेते हैं, लास्ट तक हम इसमें 105 फंदों को उठा लेंगे। वी शेप के आगे के डिजाइन को उठाते हैं, सभी फंदों को उठा लेते हैं। हमने सभी फंदों को उठा लिया है, इसमें कुल हमारे 105 फंदे हमने उठा लिए। अब ये सभी फंदे हम येलो कलर की ऊन से बनाएंगे। ये सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बनाने, येलो कलर की ऊन से हमें 3 लाइनें उल्टी उल्टी बनानी। ग्रीन कलर की ऊन में हमने 4 लाइनें बनाई थी तो हमारी 2 लाइन बनी थी उल्टी लाइन की, इसमें हम 3 बनाएंगे तो हमारी 1 लाइन ही बनती, 1 लाइन बनने के बाद हमारे डिज़ाइन की हम 2 लाइनें और बना लें। सभी फंदों के ऊपर जाली बनाते हुए सीधी सिलाई में हमने जैसे जाली बनाई थी फिर उल्टी में जाली बनाई थी, और तीसरी सिलाई में हम सभी फंदों को घटा देते हैं। ग्रीन कलर की तरह हम इसमें 3 सिलाई और निकालेंगे, 2 सिलाई में 1 का 2 करेंगे और लास्ट वाले सभी फंदों को घटा के ग्रीन वाली फ्रिल्स की तरह येलो वाली फ्रिल्स भी पूरी कर लेते हैं। अब हमने ये येलो कलर की फ्रिल्स भी पूरी कर ली है, हम वापस से अपनी ग्रीन कलर की फ्रिल्स बनाएंगे। वापस से हम ऊपर से 4 सिलाइयाँ गिनेंगे या नीचे से 1 2 3 4 सिलाइयाँ गिन के, नीचे से 1 सिलाई छोड़ के वो वी शेप की जो हमारी डिजाइन बनती है उसमें हम आगे के हिस्से के फंदे को उठा लेते हैं, इस तरह हम इसमें 95 फंदे उठा लेते हैं। वी शेप की डिजाइन के आगे के हिस्से को उठाते रहते हैं तो हमारे एक एक फंदा हमारा उठ जाता है, इस तरह हम इसमें 95 फंदे उठा लेते हैं। इसमें हमने वे सभी फंदों को उठा लिया, ये हमारे 95 फंदे हमने उठा लिए, वे सभी फंदों को हम ग्रीन कलर की ऊन से उल्टा बनाएं। पहले वाली फ्रिल्स में हमने 4 सिलाई बनाई थी, येलो वाली फ्रिल्स में हमने 3 सिलाइयाँ बनाई थी उल्टी, अब ग्रीन वाली फ्रिल्स में हम सिर्फ 1 ही सिलाई बनाएंगे उल्टी, उसके बाद हम अपनी फ्रिल्स की डिजाइन बनाएंगे। उल्टी बनाते हुए इस रो को हम पूरा कर लेते हैं। इसमें हमने अब 1 उल्टी सिलाई निकाल ली, ग्रीन कलर की में 4 निकालते हैं, येलो के में 3, अब इसमें हम 1 ही उल्टी सिलाई निकालते हैं। अब अपनी फ्रिल्स की डिजाइन बनाएंगे, पहला फंदा सीधा बनाया, ऊन को आगे लेते हैं, फिर जाली बनाते हुए अगले फंदे को बनाते हैं, इस तरह हम सभी फंदों को 1 का 2 कर लेंगे, फिर उल्टी सिलाई में भी सभी फंदों को 1 का 2 कर लेते हैं, और फिर हम तीसरी सिलाई में सभी फंदों को घटा देते हैं, इस तरह हमारी ये रो भी पूरी होकर तीसरी फ्रिल्स हमारी बन जाती है। इसमें हमने तीसरी फ्रिल्स भी बना ली है सभी फंदों को घटा के, तीनों फ्रिल्स बनने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इसे हम यहाँ से सिल देंगे, पोशाक उल्टा करेंगे, पहले ऊपर से ग्रीन कलर की फ्रिल्स को हम आपस में सिलते हैं, फिर येलो कलर की फ्रिल्स को हम नीचे साथ में लेते हुए सिल देते हैं।
इस तरह हम सिलते हुए ऊपर तक सिल लाते हैं, ऊपर तक सिल देंगे। सिलने के बाद हमारी पोशाक कुछ इस तरह से बन जाती है। आपको ये मेरी पोशाक अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।